जो है वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, ये अपडेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर अपडेट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में व्हाट्सएप का गर्मा गर्म 5 अपडेट के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूँ। इनमें से कुछ अपडेट शायद आपको मिल चुके होंगे, कुछ अपडेट आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। तो चलिए फटाफट वीडियो का मेन टॉपिक में चल जाता हूँ। सबसे पहला नंबर अपडेट जो आपको शायद मिल गया, शायद मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि WhatsApp पर जो कुछ भी अपडेट आता है ना, सबसे पहले बीटा टेस्टर जो लोग होता है, जो बीटा वर्सन यूज़ करते हैं, उन लोगों को मिल जाते हैं। तो अगर आप एक बीटा टेस्टर होगा है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिल गया अपडेट। कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, अपडेट है WhatsApp अवतार प्रोफाइल फोटो। जी हाँ, WhatsApp अवतार के ऊपर 2-3 महीना पहले से अपडेट चल रहा है, बोले तो न्यूज़ चल रहा है कि ये आएगा वो आएगा फलाना फलाना, बट फाइनली ये तीसरा नंबर अपडेट है कि WhatsApp आप अपनी WhatsApp प्रोफाइल में आपके जैसे अवतार को वहाँ पे लगा सकते हो, जिसमें क्या होगा, कोई आपका दोस्त वगैरह, आपका रिलेटिव, जो कुछ भी आपका फ़ोटो नहीं देख के आपका जो अवतार है उसका फ़ोटो देखेगा। हाल ही में क्या इसका ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा हूँ, चलिए आप लोगों के लिए उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर आप चाहते हो कि डिटेल्स में पता करने के लिए तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब इससे बात कर लेते हैं अपडेट नंबर 2। दोस्तों अपडेट नंबर 2 ये है WhatsApp स्टेटस रिएक्शन। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले WhatsApp ने एक अपडेट निकाल के आया था जो है WhatsApp मैसेज रिएक्शन। उसके ऊपर दो दो अपडेट आया था, एक है WhatsApp मैसेज रिएक्शन, उसके बाद उसका प्लस मार्क आया था, बोले तो 2 अपडेट है। बट उसमें WhatsApp वाला शांत नहीं हुआ, वो लोग क्या किया, उसके साथ साथ WhatsApp स्टेटस रिएक्शन भी दे दिया। जैसे आप इंस्टाग्राम पर जाते हो ना, कोई स्टेटस देता है तो उसमें आप जब रिप्लाई करने के लिए जाते हो वहाँ पे कुछ इमोजीज आ जाते हैं 8-8, तो ऐसे उस सेम फीचर को कॉपी किया है WhatsApp वाला ने। तो आगे चल के ये फीचर अभी तक रिलीज नहीं किया, आगे चल के आप भी WhatsApp पर अगर अपने आपका कोई दोस्त वगैरह स्टेटस अपलोड करता है तो उस स्टेटस में जाके अपनी रिएक्शन जरूर दिखा सकता है। WhatsApp का तीसरा नंबर अपडेट, ये अपडेट जो लोग बीटा टेस्टर हैं उनको ऑलरेडी मिल चुका है। अपडेट कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको कोई मैसेज भेजता है या आपने किसी को मैसेज भेजा है, उस मैसेज को दबा के रखते हो तो वहाँ पे 3-3 ऑप्शन शो होता है, एक है डिलीट फॉर मी, एक है कैंसिल, एक है डिलीट फॉर एवरीवन। तो डिलीट फॉर मी में जैसे आप क्लिक करते तो आपका फ़ोन से डिलीट हो जाता है, लेकिन WhatsApp वाला ने सोचा कि अगर कोई बंदा थोड़ा भांग भांग पी के डिलीट फिलीट कर देता तो इसीलिए वहाँ पे अंडू वाला बटन नीचे आ जाते, गलती से अगर डिलीट हो जाते तो वहाँ पे एक अंडू वाला बटन मिल जाएगा, जिसके मदद से आप उस जो डिलीट हो जाना मैसेज को फिर से दोबारा रिटर्न लेके आ सकते हैं। हाल ही में क्या इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो बना के रखा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ, अगर आप चाहते हो कि उस वीडियो को देखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसका लिंक मिल जाएगा, आप प्रैक्टिकल जाके देख सकते हो। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं WhatsApp का चौथा नंबर अपडेट। चौथा नंबर अपडेट दोस्तों WhatsApp ग्रुप का ऊपर आ चुका है, बोले तो डायरेक्टली ग्रुप का ऊपर नहीं, कुछ दिन बहुत दिन पहले से एक बातचीत चल रहा था कि WhatsApp पूरे कम्युनिटी बोल के फीचर लेके आ जाएगा। कम्युनिटी एंड ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड ग्रुप, इसका ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हूँ, मेरे ही चैनल में मिल जाएगा, आप जाके थोड़ा सा ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सर्चिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये कम्युनिटी के अंदर 10 से भी ज़्यादा ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, मतलब समझ रहे, एक ग्रुप में 512 मेंबर को ऐड कर सकता है। तो एक कम्युनिटी के अंदर 10 से भी ज़्यादा ग्रुप, मतलब सोच रहा है 512 × 10 या 10 से भी ज़्यादा कितना मेंबर होता है, सबसे कम होगा तो 5000 तो हो ही जाता है, इधर ही तो हिसाब से 5000 हो जाता है। तो इतना आदमी अगर रहता है ना, आपका नंबर वहाँ पे लीक हो जाता है तो कितना मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा वो आप समझ लीजिए। तो इसके ऊपर ध्यान देते हुए WhatsApp ने उसका यूज़र को प्राइवेसी को देखते हुए वहाँ पे एक नया ऑप्शन शो किया था कि आप चाहो तो अपने नंबर को बंद कर सकते हैं, बोले तो शेयर होने से रुका सकता है, तो जिसको कहते हैं फ़ोन नंबर शेयरिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, बट ये फीचर अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, इसके ऊपर मैंने हाल ही में एक वीडियो बना दिया था, अपडेट दे दिया था, चलिए आप लोगों के लिए उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अभी दोस्तों लास्ट एंड WhatsApp का 5वां नंबर अपडेट जो है वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, ये अपडेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर अपडेट। अपडेट कौन सा है, ये भी WhatsApp सिक्योरिटी को, WhatsApp प्राइवेसी को देखते हुए ये WhatsApp वाला लेके आया, जिसमें क्या होगा, WhatsApp लॉगिन अप्रूवल। जैसे कि आपको पता होगा Instagram पर, आपका Gmail पर, अगर अपने दूसरा कोई डिवाइस में लॉगिन करने के लिए जाते हो तो ओल्ड डिवाइस में, जो डिवाइस में पहले से लॉगिन है, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, एक पॉपअप आ जाते है, वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना, नहीं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, बोले तो नो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, तो ऐसे आपको मिलता है। तो आगे चल के भी WhatsApp वाले सोच रहे ऐसे करेंगे, जैसे आपका मदर डिवाइस में, जैसे सोच लीजिए ये एक मेरा फ़ोन है, इस मदर डिवाइस में मेरा WhatsApp लॉगिन है, तो मैं चाहता हूँ दूसरा कोई डिवाइस में, कंप्यूटर में, मेरा इसी WhatsApp को
चलाने के लिए, यूज़ करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक मेरे को पॉपअप शो होगा, एक सिक्योरिटी नोटिफिकेशन शो होगा यहाँ पे, जैसे मैंने एक्सेप्ट करूँगा तभी जाके दूसरा डिवाइस में मैं अपना व्हाट्सएप को चला सकता हूँ। तो ये था सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसको कहते हैं व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी ना, व्हाट्सएप लॉगिन अप्रूवल। ये था दोस्तों टोटल पाँचों अपडेट है जो अपकमिंग है एंड कुछ अपडेट मिल ही गया। तो अभी आप कमेंट करके बोलिए कि ये पांचों अपडेट में से कौन सा अपडेट आपको पर्सनली अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों और एक नया वीडियो पे, तगड़ा वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।